वाइल्ड कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके सामने में हमको लगता है बाकी सारे चाइल्ड कार्ड ही नजर आ रहे थे। जब वो चार हफ्ते रहा वो बंदा, 5.9 मिलियन फॉलोअर्स लेके वो आया, ठीक है, आज के डेट में अप्रोक्स 13 मिलियन फॉलोअर्स है उसके। पूरा जो उसकी यात्रा रही है वो हमको लगता है कि अद्भुत रही है, और वो मतलब डिजर्व करता है ट्रॉफी। अभिषेक मल्हान शो जीत सकते हैं, मतलब बेबिका और पूजा जी को छोड़ के शो तीनों में से कोई भी जीत सकता है। ब्रह्मा जी ने उनको पर्सनली बनाया है, कोई गलत नहीं उनके अंदर, विश्वकर्मा भगवान आके बना के गए। बट मेरे हिसाब से मेरे इंट्यूशन कहते हैं कि शो एल्विस जीतेगा, और वो पूरा डिजर्व करता है शो जी। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी एंड आई एम विद नन अदर देन दीपक ठाकुर टुडे। दीपक जी पहले तो स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू, बॉलीवुड स्पाई देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, हम अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्या चल रहा है, क्या कुछ ऑलरेडी पाइपलाइन में है, कौन से सिंगिंग प्रोजेक्ट्स के साथ दीपक ठाकुर जल्दी आने वाले हैं? देखिए अभी हमारी फिल्म एक आ रही है दलान, पॉलिटिकल ड्रामा है, इस साल के एंड तक रिलीज हो जाएगी जी। और गाने वाने कंपोजिशंस वगैरह चल रहे हैं, उसके म्यूजिक वगैरह पे काम चल रहा है जी। और फिल्म में हमारे गाने भी हैं और उससे हमारा डेब्यू हुआ है एक तरीके से एक्टिंग, एक्टिंग में। बढ़िया, सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी, क्या कमाल। हाँ बस मतलब कुछ लोगों ने कहा कि दीपक एक्टिंग मतलब हमको लगता है तुम कर सकते हो, ऐसे करके उन्होंने गाइड किया, वर्कशॉप किया मैंने जी। उसके बाद देखते हैं कैसा आता है। बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड आई एम श्योर जो आपके फैंस हैं हमेशा से जो आपको पसंद करते हैं वो भी काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट्स के आने का। आपने एल्विश के लिए गाना बनाया और वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। एल्विश में ऐसा आपको क्या लगता है या आपको क्या खास बात लगती है कि आपने बिग बॉस सीजन 2 ऑफ OTT के कंटेस्टेंट एल्विश के लिए इतना प्यारा और सुंदर गाना प्रोड्यूस किया? देखिए जो भी इंसान जेन्यून होता है, दिल से खेलता है, जो भी इंसान जैसा अंदर है वैसा बाहर होता है, वो उनको बहुत पसंद आता है। तो उस इंसान के अंदर कोई फिल्टर नहीं है। जैसे मैंने उनकी दोस्ती पे भी गाना बनाया, मैंने मनीषा पे भी गाना बनाया, क्योंकि क्या है ना कि ये लोग हमको लगते हैं कि रियल है। ये जो तीन लोग हैं अभिषेक, मनीषा, एल्विस, ये लोग हमको लगता है कि काफी जेन्युइन बॉन्ड है इनका, काफी रियल है, ये रियल है वो। और एल्विश का जिस तरीके से उनके पापा का आना हुआ शो में, और जिस तरीके से एल्विश का पूरे शो को एक तरीके से तड़का लगाया उसने वाइल्ड कार्ड आके, बट ये जो उसका पूरा जो उसकी यात्रा रही है वो हमको लगता है कि अद्भुत रही है, और वो मतलब डिजर्व करता है ट्रॉफी। तो मेरे हिसाब से जो बंदा अच्छा कर रहा है अगर वो तारीफ करने योग्य है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एल्विश पर ठप्पा लग रहा है कि वो तो वाइल्ड कार्ड है, जीतने के क्या आसार होंगे और क्या हकदार भी होंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? अच्छा एक बात बताइए, चार हफ्ते रहा वो बंदा जी, 5.9 मिलियन फॉलोअर्स लेके वो आया, ठीक है, आज के डेट में अप्रोक्स 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके जी। इतना बड़ा ग्रोथ, मतलब मान लीजिए कि कोई क्या लेके आया नहीं लेके आया, उतने फॉलोअर्स का ग्रोथ किसी का उस शो में हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर अगर कोई पहले हफ्ते से रह रहा है वहां पे जी, तो उसके पास तो और ज्यादा चांस है जी, लोगों को इम्प्रेस करने का, लोगों को अपनी तरफ खींचने का। फिर वो क्यों नहीं खींच पाया? अगर अभिषेक या पूजा भट्ट या बेबिका या जो भी कंटेस्टेंट्स थे या बहुत बड़े टीवी शोज करके भी वहां गए थे जी, तो वो क्यों नहीं खींच पाए? आजकल पता है सब कुछ लाइमलाइट, सोशल मीडिया का जमाना है, फॉलोअर्स का जमाना है, नहीं खींच पाए। वो बंदा उसने कुछ अच्छा दिखाया, कुछ अच्छा लोगों को लगा, जनता को लगा, तभी तो लोगों ने उसको सिर आंखों पे बिठाया। और जब सलमान सर उसको समझाए डांटे भी, तो उस समय भी लोगों का रिएक्शन आप लोगों ने देखा होगा। डेफिनेटली देखा था। तो वो एक बंदे में कनेक्ट है, वाइल्ड कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके सामने में हमको लगता है बाकी सारे चाइल्ड कार्ड ही नजर आ रहे थे। जब वो आया है तो एक तरीके से ऐसा था कि भाई मेरे सामने में तुम सब भीड़, सिर्फ एक भीड़ लग रहे हो। बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट दो तीन लोगों को छोड़ दे तो, जैसे कि मनीषा, उसका एक अलग फ्लेवर है, उसका अपना एक है देसी अंदाज है, फ्लर्ट करती है, और मतलब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसका रखती है, वो पूरा पैकेज है। तो कुल मिला के हमको ऐसा फील होता है कि एल्विश सिर्फ वाइल्ड कार्ड है तो वो नहीं जीत सकता है, या एक ठप्पा लगा दो, ये हमको लगता है कि ये एक मैनिपुलेशन है कि बाहर एक मैसेज दे देना ऐसे कि हम ज्यादा दिन तक रहे, हम ज्यादा दिन तक बेइज्जत हुए हैं, हम ज्यादा दिन तक लड़े हैं, हम ज्यादा दिन तक, भाई किए क्या? लेकिन इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट कर दिया जाता है एक तरह से। और आप तो बिग बॉस रिव्यू करते हैं, आपको हमने देखा है कई बार, और
आपके जो भी रिव्यूज होते हैं लोगों को पसंद भी आते हैं। ऐसे में इस बार बिग बॉस OTT सीजन 2 में आपको कौन ऐसे कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं जो आपके लिए आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ एल्विश नहीं तो इनके भी चांसेस हैं? एल्विश नहीं तो मनीषा जीत सकती है शो जी, अगर शो मतलब मेरे हिसाब से जो फैन फॉलोइंग और जिस तरीके से वोटिंग चल रहा है इस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, अभिषेक मल्हान शो जीत सकते हैं जी। मतलब बेबिका और पूजा जी को छोड़ के जी शो तीनों में से कोई भी जीत सकता है। बिल्कुल, टॉप 5 में मिले हैं अभिषेक, एल्विश, पूजा, मनीषा, बेबिका। कोई ऐसा है जो आपको लगता है डिजर्व नहीं करता है लेकिन फिर भी पहुंच गया है ऑलमोस्ट लास्ट वीक तक? हाँ, मतलब हमको बेबिका में तो पूरा एकदम मतलब शुरू से लास्ट तक डाउट ही डाउट है उसके अंदर जी कि वो कैसे पहुंच गई है। मेरा मतलब है कि वो सिर्फ लड़ लड़ के बस पहुंची है, पूजा जी का पैर हाँ जो भी है वो पकड़ के पहुंची है बस, और पूजा जी भी नहीं पहुंचनी चाहिए थी क्योंकि हमको लगता है कि उनका भी मतलब एक तरीके से जिस तरीके का शुरू से रहा है तो वो हमको लगा कि फेवरेटिज्म टाइप का वो लगा हमको कि इस वजह से वो वहां तक पहुंच गई, बट जनता के नजर में हमको नहीं लगता है कि हम भी सोशल मीडिया देखते हैं तो कोई किसी को पूजा जी का ये अच्छा लगता है कि कोई कहे कि अरे पूजा जी ने ऐसा कर दिया था, हम तो उनको वोट करेंगे, हम तो सपोर्ट करेंगे उनको। Correct. तो और जबकि इतनी बड़ी नाम रही है लोग उनको पसंद करते हैं जैसे। साथ ही एक बात और है, एक सवाल और आता है दिमाग में कि ऐसा क्या था पूजा जी में जो पूरे सीजन सलमान खान उनकी कोई गलती नहीं निकाल पाए, या उन्होंने कोई गलती ही नहीं करी या वो बहुत परफेक्ट है? ब्रह्मा जी ने उनको पर्सनली बनाया है, कोई गलती नहीं उनके अंदर, विश्वकर्मा भगवान आके बना के गए, कोई गलती नहीं। उन्होंने धक्का मारा एल्विश यादव को टास्क में, उन्होंने क्या कहते हैं टोकरी फेंकी, मनीषा को धक्का मारा, उन्होंने बाद में रियलाइज हुआ उनको उन्होंने गलत शब्द भी प्रयोग किए, उन्होंने छोटे लोग छोटी सोच ये भी बोला, लेकिन बिग बॉस क्या, बिग बॉस में तो शब्द ही पकड़ते हैं ना भाई, अब कहेंगे इंटेंशन तो फिर एल्विश यादव जब कह रहे थे बेबिका के बारे में तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो करते जी, ठीक है, तो वहां पे तो शब्द ही पकड़े जाते हैं, तो फिर आपने क्यों, मेरे सीजन में मेरा एक शब्द पकड़ा गया था चाल चलन, है ना, उसके बाद बिग बॉस ने खुद 4 बार इस शब्द का प्रयोग किया जी, पूरे इस सीजन में भी किया, ठीक है, कि आप लोग अपना चाल चलन ठीक कर ले या ये, तो क्या इसका मतलब थोड़ी है, बस वही बात है कि जिसको बेइज्जत करना होता है हो जाता है वो बेइज्जत। बिल्कुल, सलमान सर हैं, अब उनका एक संबंध है पूजा भट्ट जी से, वो लोग फ्रेंड हैं, तो अगर बाहर से फीडबैक भी मिलेगा मेकर्स के द्वारा कि भाई उनको कुछ बोलिए उन्होंने ये किया है जी, तो उन्होंने वो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा छोड़ के चलो इनको जी, ऐसे करके। अब बताइए ना, मनीषा को बोला गया कि तुम मर्दों के साथ मुंह मारती हो, मुंह मारते फिरती हो, ठीक है, वो फ्लर्ट करती है तो उसके एक तरीके से कैरेक्टर मतलब कि वो सबके साथ जाके ये करे वो करे, मतलब एक वो ठीक है किया गया जी। उसके बाद वो टॉपिक नहीं बना वीकेंड के बार पे, टॉपिक क्या बना, पूजा तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है मतलब ये अलग लेवल पे चल रहा था, ये अलग ही बिग बॉस चल रहा था। सही बात है, सबसे ज्यादा अनफेयर किसके साथ हुआ है, जबरदस्ती बिग बॉस के घर में कौन टारगेट हुआ है आपके अकॉर्डिंग? मनीषा टारगेट हुई है, जबरदस्ती टारगेट हुई है शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब आप समझिए ना कि जैसे एक इंसान के अंदर पूरे सीजन में कोई कमी नहीं ढूंढ पाया पूजा भट्ट जी, वैसे ही एक इंसान के अंदर जिसने पूरे सीजन में अपना बेस्ट दिया, अगर वो नहीं होती शुरू से, बाद में एल्विश आया, एल्विश भी आया तो उसका जो बॉन्ड मनीषा के साथ था वही ज्यादा वायरल भी हुआ है, तो अगर मनीषा नहीं होती शुरू से तो आप समझ लीजिए कि शो क्या होता, मुर्दा घर होता वो, ठीक है, और पूरे सीजन में एक बार ऐसा नहीं हो पाया कि लोग उसकी कोई तारीफ कर दे, है ना, भले बाहर से गेस्ट आ रहे हैं कर रहे हैं बड़ा अच्छी लग रही हो तुम, नेहा कक्कड़ आके वापस जाके फॉलो भी कर रही है, बट चैनल एक भी अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं कि तुम बहुत मनीषा तुम्हारा ये बहुत, इनफैक्ट उसका दोस्त जब रो रहा है जब वो जा रही है जेन्युइनली, अगर हमारा कोई दोस्त रोता है तो हम क्या करने जाते हैं, चुप करवाने जाते हैं, जा रही है चुप करवाने, बैठो इरिटेट मत करो, है ना, तो ये क्या होता है ना कि सलमान सर एक तो शो वो देखते नहीं है तो उनके दिमाग में वो चीज रहता है कि भाई एक नैरेटिव जो बन जाता है ना कि ये इरिटेट करती है ये वो करती है, और बाद बाकी का काम करवाने के लिए पूजा भट्ट जी ये सब बड़े नाम है ही, उन्होंने जो नैरेटिव बाहर निकाला जैसे अभिषेक के लिए निकाला, ओवर कॉन्फिडेंट है जी, ये है वो है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, ठीक है, ये निकाला तो फिर वो चला, जब एल्विश आया तो इनको लगा भाई ये बहुत टफ है बंदा, क्योंकि आते ही बोला ताई जी हैं आप, है ना जी।
उसको लगा कि ये बंदा पहले से है कि भाई लड़ेंगे तो भिड़ जाएगा ये, और फिर पता चला कि इसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तो उनको बहुत सेंसिबल लगने लगा, है ना। सबका अपना गेम है, जीतने सब आया है, कोई स्मार्टली एक अलग तरीके से खेल रहा है, और सब कुछ खेल वेल के लास्ट में कहता है मैं ये शो नहीं जीतने आई हूँ, मैं इसके बाहर की बात करती हूँ। तो अलग चल रहा है भाई। यस, एंड तक आते आते जो भाईचारा दिखा था अभिषेक और एल्विश के बीच में वो घटता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच अभिषेक का मानना ये है दीपक जी कि वो एल्विश को वर्दी नहीं मानते हैं बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी जीतने के, ऐसा इस पर आपका क्या मानना है? ये उनकी बेवकूफी है, मतलब देखिए हम जेन्युइनली बोलेंगे, अब आप लोग दोस्त हैं, दोस्त बन के वहां तक पहुंचे हैं, अन समय है, अब ना किसी को कोई नॉमिनेट करना है, अब ना किसी को कुछ करना, अब जो करना जनता को करना है, है ना। तो आप कोई गलत मैसेज बाहर क्यों दे रहे हैं कि जनता के मन में वो फिलर डाल रहे हैं आप कि ये वाइल्ड कार्ड आया है इसको मत करना, हमको करना, हम भी यूट्यूब से ही है, है ना। एक ये सब होता है कि जब आदमी गेम में होता है ना कि यहाँ तक जब पहुंच गए हैं तो अब जीतना है, तो अब बस एक लंबी छलांग मारनी है, तो उस बस उस छलांग में वो आदमी होता है ना गड़बड़ कर देता है कि बस एक ये साथ में डॉलर ये अगर गिर गया तो हम आगे चले जाएंगे। Correct. तो बस उस टाइम पे हमको लग रहा है कि ये चीज चल रहा है, बैक बीचिंग चल रही थी थोड़े दिन पहले, फिर हुआ कि तुम नहीं जी सकते हो, ऐसे बीच में अभिषेक ने बोला कि हमको तुम्हारी गधे वाली सोच लगती है, तो ये सब भी है। दोस्ती यारी जब यहाँ तक पहुंचाए हो तो उसको अच्छे तरीके से एंड करो, क्योंकि अब सब कुछ जनता के हाथ में है, तो खुद क्यों अपना दोस्ती का धागा खोलना, है ना। जैसे एल्विश से पूछा गया कि ट्रॉफी किसको दोगे अगर तुम्हारे हाथ में हो, तो उसने कहा कि हम अभिषेक को देंगे, है ना। बिल्कुल। और वो ये फील करता है, और वो ये पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी उसने बोला कि भाई तुम ज्यादा डिजर्व करते हो क्योंकि तुम पहले से रहे हो, तो वो चीज वो बात अगर वो कह रहा है तो आपका क्या बड़प्पन बनता है? बिल्कुल। आपके दिल में क्या, अगर दोस्ती है तो आप ये तो नहीं बोलेंगे हाँ भाई हम पहले से डिजर्व करते हैं, हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, भाई वो आया ही क्यों था फिर? करेक्ट। तुमको ट्रॉफी देने थोड़ी आया था वो। भाई गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे जाओ स्टेज पे, सलमान सर हाथ नहीं उठाएंगे, तुम ही उठा देना हाथ उसका, है ना, ट्रॉफी तुम लेके जाओ, तुम ऐसा तो नहीं था वो बंदा। और ये जेन्युइन बात है कि एल्विश जिस दिन से शो में आया है उस दिन से शो का एक अलग फैन फॉलोइंग बना है, ठीक है, एक अलग क्रेज बना है। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सिर्फ बस इतना ही चलता है, रील्स चल गया 5 मिलियन ऐसे व्यूज आते, तो और ये सारा ओटीटी का ही खेल है, ठीक है। तो हमको लगता है कि बिल्कुल डिजर्विंग करता है, और कोई भी अगर बोलता है, उसका दोस्त हो या दुश्मन हो या कोई भी अगर ये बोलता है कि वो बंदा चूंकि सिर्फ वाइल्ड कार्ड आया है, तो ये तो तुम लोगों के लिए लालत है जी। कि जो वाइल्ड कार्ड आया है उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर तुम्हारा सिस्टम चल रहा है, तो ये फिर तुम्हारे अंदर डिमेरिट हुई कि तुमको 8 हफ्ते का समय मिला, उसको 4 हफ्ते में उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया जो कोई और नहीं कर। बिल्कुल। इसी के साथ टॉप 3 में किसे देखते हैं और विनर किसके बनने के चांसेस ज्यादा है? टॉप 3 में हम देखते हैं अभिषेक, मनीषा और एल्विश को। यस। और हम तो चाहते हैं कि मनीषा ये शो जीते जी, जेन्युइनली हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम ये फील करते हैं जैसे कि हम एक जगह से आए, यहाँ पे सपना देखे, यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मेरे इंट्यूशन कहते हैं कि शो एल्विश जीतेगा, और वो पूरा डिजर्व करता है शो जीते।